कई बार हम उम्मीद करते हैं परमेश्वर इस तरह से काम करेगा एंड um, जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं हाउ ही totally हर एक व्यक्ति के साथ परमेश्वर किस तरह से काम करता है वो तरीका ही अलग होता है बाइबल बाइबल so में कई बातों का जिक्र किया गया है एंड रीड एम एंड अंडरस्टैंड इट

हमारी परिपक्वता इस समय पर काम आती है जब हमारी सोच विचार सही रहे कि अगर किसी किसी परमेश्वर ने के साथ साथ इस इस तरह तरह से से काम किया है तो मेरे साथ भी इस तरह से करेगा या नहीं इसके बाइबल में, so, we'll में से कुछ आयतों को हम देखेंगे फिर हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन में जाएंगे

उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया अकॉर्डिंग टू अवर इनिक्विटीज और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। one, हम जानते हैं भजन 103 बहुत बढ़िया भजन है हमारे व्यक्तिगत जीवन पर वो लागू होता But है इसकी पहली एक वचन को मैं देखूंगा फर्स्ट वर्स पहली आयत He made known his ways unto Moses his acts unto the children of Israel उसने मूसा को अपनी गति और इजरायलियों पर अपने काम प्रकट किए There are two groups of people right here दो समूह के लोगों का जिक्र किया गया है One is Moses एक मूसा है he wants to know the ways of the Lord वो परमेश्वर के मार्गों को जानना चाहता है In some other translation it says like this अनुवाद इस तरह कहता है कि मूसा परमेश्वर की चरित्र को जानना चाहता था दिस इज आई एमसाई वॉन्ट नो मी दिस इज वॉट आई एम मूसा मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जाने में ऐसा हूँ But the children of Israel always looking for signs and wonders. And that's what you know the Pharisees and Sadducees came and asked Jesus, what is a sign that you are a son of God? और यही सवाल फरीसी और सदुकियों ने यीशु से कहा कि तू क्या चिन्ह दिखाएगा कि हम माने कि तू है। एक समय आता है हमारी जिंदगी में जब हम चिन्ह चमत्कारों को हैं। Lord, Him, और जैसे हम परिपक्वता yes. में प्रभु में बढ़ते हैं हम परमेश्वर को उसके चरित्र को जानना चाहते हैं। मैं चाहूंगा पूरी कलीसिया इस बात को समझे जिस पर मैं अपने संदेश को लेके आ रहा मे नोन हिस्स वेज अंत मोज उसने मूसा को अपनी गति but he is to the children of Israel और इजरायलीओ पर अपने काम प्रगति आइए हम प्रार्थना करें Father in Jesus name we come to your throne O God पिता यीशु के नाम में आपके सिंहासन के सामने हम What a mighty God we serve क्या ही महान परमेश्वर की हम आराधना करते हैं You are such a good shepherd तू भला चरवाहा है Even though you have ninety nine भले ही आपके पास 99 भेड़ें हैं One is lost जब एक भेड़ खो जाती है you leave the 99 and you go after that one. उन निन्यानवों को छोड़ करके आप उस एक खोई हुई के पीछे जाते हैं Oh, we just worship you for your loving heart. आपके प्रेमी मन के कारण हम आपकी आराधना करते हैं। Sometimes we think, oh God, there are so many holy people who I am. I'm committing sin again and again. कभी-कभी हम सोचते हैं प्रभु इतने सारे पवित्र लोग हैं मैं बार-बार पाप करता हूँ मैं हूँ कौन? But your love is the same. लेकिन आपका प्रेम हमेशा होगा। आप कभी नहीं बदलते परमेश्वर so we आपने हमसे इतना प्रेम किया जब हम पापी ही थे तब अपने बेटे को हमारे लिए क्रूस पर तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना है आज मुझसे हम सबसे आप बात करें जैसे हम आपके चरित्र को हैं। जैसे आपके दर्शन के हम खोज जैसे आपके मार्गो को हम खोजते हैं रेड सीज विल बी डिगर दो भाग होंगे सुपर पावर ऑफ द डेबल विल बी ब्रॉड डैम शैतान की सामर्थ गिरा दी जाएगी साइंस एंड वंडर्स विल ऑटोमैटिकली फॉलो चिन्ह और चमत्कार अपने आप होंगे इज़राइलियों के समान पर हम पहले चिन्हों चमत्कार की खोजी नहीं होना चाहते मूसा के समान योर वे हमारी मदद करे हम आपको और आपके मार्गों को पहले इस समय को आप आशीष दें पिता। और यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ और सभी कहें मैसेज टॉपिक ऑफ दिस्टीरियस Ways of God's dealing. और संदेश का शीर्षक है परमेश्वर के व्यवहार के रहस्यमय तरीके दिस मॉर्निंग अबाउट आज हम इतिहास को देखेंगे एक इंसान के बाइबल में से एक अंश को पढ़ते हुए जिसकी जिंदगी को परमेश्वर ने बदल दिया प्रेरितों के काम अध्याय दिस इज conversion ऑफ सॉल ये पौलुस का बदलाव है यस अ मैन अ यंग मैन बाय द नेम सॉल हाउ ही बिकेम पॉल एक जवान इंसान जिसका नाम शाऊल था कैसे उसकी जिंदगी बदल गई दैट्स व्हाट आई लुक एट द मिस्टीरियस वेज ऑफ डीलिंग्स विद मैन और इसी तरह से हम देखेंगे कैसे परमेश्वर रहस्यमय तरीके से लोगों के साथ काम As करता you है एज यू रीड इन द बाइबल वर्स नंबर 1 पहली आयत को यदि हम देखेंगे बाइबल में से Chapter 9 verse 1 and Saul yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord went unto the high priest. Literally, he was persecuting the body of Christ like anything. He was also consented to the death of you all know that god's child you know stephen और हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर का परमेश्वर की एक संतान स्टीफनस जो है उसको मार डालने के लिए भी वो हामी में था when they were throwing stones he consented to that जब वो पत्थर कर रहे थे स्टीफनस का तो वो उस उस काम में भी सहमत था because they know when they throw the stone the the blood will just split all over the place their own their own clothes so they remove the clothes and put it there at the feet of a saw क्योंकि पथराव जब होता था तो पत्थर मारने से शरीर में से खून के छींटे उड़ते थे कपड़ों पर लगते थे तो उन लोगों ने अपने वस्त्रों को तार करके शावल के पर्यट के नीचे रखे I look at verse number two दूसरी <laughs> हायद and desired of him let us to Damascus to the synagogues that if we found any of this way whether they were men or women he might bring them bound to jerusalem और उससे दमिश की आराधनालयों के नाम पर उस अभिप्राय से चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो पंथ पर लाए पाए उन्हें बांध कर वो शेरुशलिम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा

Here is an encounter with the God. There are a lot of encounters mentioned in the Bible. Jacob had an encounter. Saul has an encounter. Many, many people. Moses had an encounter. I mean, I can name so many people. Elijah had an encounter. See, the meaning of the word encounter is. आप देखे मुठभेड़ शब्द का मतलब अंडरस्टैंड एंड यूर ब्रॉट अंडर दैट जब आप किसी चीज को देखते हैं और फिर उसके अधिन हो जाते हैं अन हियर दउंटर इज दैट गॉड अपल्व अपीयर्स टू सॉल्व और यहाँ मुठभेड़ में हुआ ये कि परमेश्वर ने अपने आप को शाउल पर प्रकट किया आई मीन इज टू वो दमिश्क निकट है इज गोइंग टू टू गो बी स्लॉटर अगर दमिश्क में वो पहुंच जाएगा तो वहां पर बहुत मुश्किलें आएंगी बट गॉड ऑल्सो नोस वेन टू कैचेस राइट लेकिन परमेश्वर ये भी जानते हैं कि कब उसने अरविद क्या आज की सुबह आप मेरे साथ हैं knows when to catch every one of us. परमेश्वर जानता है कि उसे कब हमें पकड़ना है He knows very well how to catch people like Jonah. योना के समान लोगों को किस तरह से पकड़ना है वो जानता है middle. मीच में Middle of the sea.

कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम जानें ताकि कामों को हम और बेहतर रूप से कर पाए डायरेक्ट क्वेश्चन पॉल सॉल व्हाई डू यू पर्सिक्यूट मी सीधा सवाल शाऊल तो मुझे क्यों सताता है एंड द एनकाउंटर चेंजेस हिम टोटली और वो मुठभेड़ उसे पूरी तरह से बदल देती है एंड ही सेस गॉड लॉर्ड हु आर यू और वो कहता है प्रभु तू तो कौन है हु आर यू तू कौन है I thought I'm serving a uh, el shaddai almighty god मुझे लग रहा था मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। but now you are asking that i am just you know persecuting you पर अब तू कहता है मैं तुझे सता रहा हूं and that is exactly sometimes we don't understand things in correct pers perspective और ठीक वैसे ही कभी कभी हम चीजों को सही तरह से सही नजरिए में नहीं सकते डूंग हमें लगता है मैं कर रहा हूँ इससे किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन फैक्ट फॉल सॉल डिट नॉट इवन जीसस बल्कि शाऊल ने तो यीशु को सताया भी नहीं था। आप वो किन को सता रहा था परमेश्वर की वो चेले जिन्होंने यीशु को अपने उद्धार कर आज की सुबह मेरे साथ ठंडी हवा के कारण नींद आ रही है क्या स्पिर रखें हो रही है तो नींद को आने ना दे एनकाउंटर हियर चेंजेस इलाइंगठभेड़ शाह जीवन को बदल देती है He didn't know that he was persecuting Jesus. हम ये जान पाते हैं पढ़ के कि शाउल अनजान था इस बात से कि वो यीशु को सता रहा he है आप कई लोग अपनी जिंदगी को जी रहे हैं इस बात से अनजान हो करके कि वो ये नहीं जान रहे परमेश्वर उनकी जिंदगी को देख रहा है और वो कैसे जी रहे हैं। that one moment in the present जिंदगी को, को बदल And देता है उसके भविष्य को बदल देता है अवेलेबल फॉर मी और आप पूछेंगे पास्टर जी क्या ये मेरे लिए भी हो सकता है आई टेल यू इट अवेलेबल फॉर Give एवरी डे हर unto हर Lord. You can have encounter with Jesus every day. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Morning by morning, thy mercies are new. Hallelujah. Is that right? You know what? Let me tell you something. If you begin to taste and see that the Lord is good, you look for to spend time at the feet.

पहली तीसरी चौथी और पांचवी मी मेरे साथ बने abide रहो, मेरे साथ You'll बने रहो। पॉइंट इन और मैं तुम में यू विल बी फ्रूटफुल तब तुम फलवंत होगे। क्योंकि विदाउट क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते you know, you right now, इस वक्त आप दुनिया में इज नथिंग यू कैन होल्ड ऑन टू वर्ल्ड दुनिया में किसी भी चीज के ऊपर आप निर्भर नहीं हो है हर एक चीज जिस पर लोग निर्भर थे वो है नो लॉ एंडर कोई भी नियम कायदे कानून हर जगह पर लोग उनको नहीं, नहीं लोग सामर्थ्य ताकत अधिकार का कर रहे हैं दूर रिमेम्बर द स्टोरी ऑलवेज यूज टू से आपको याद है वो कहानी जो हमेशा कहा करते थे देर वॉज अ कॉम्पिटिशन यू नो फॉर बिकमिंग ए सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर पुलिस में बनने के लिए एक प्रतिस्पर्धा थी एंड मेनी एप्लीकेशन के कई लोगों ने उसमें आवेदन दिया द फर्स्ट क्वालिटी हाइट और उसमें पहली जरूरत यह थी कि आपका कम से कम इतना कद तो होना ही चाहिए इंटरव्यू लेने वालों ने आवेदक डेज तो, तो दो तीन दिन तक हो सकता है सुबह से लेकर शाम तक हमें बैठना पड़े न्यू so आइडिया तो उनको एक आइडिया आया they put a big robe, उन्होंने एक बड़ी रस्सी रखी फाइव फीट एट इंच आठ इंच और टू पुलिस ऑफिसर होल्डिंग इट और दो पुलिस वाले उसके कोनों को पकड़ के खड़े थे सेंड द क्राउड गो थ्रू इट और सारी भीड़ को बोलो कि इससे होके हेड अगर वो रस्सी तुम्हारे इस माथे को छू लेती है स्टैंड तो रुक जाना इफ टच योर हेड अगर वो छूती नहीं है Keep going till you reach your house. तो तब तक चलते रहना जब तक अपने घर ना पहुंच जाओ। In that way, they just within no time they finished off who is a really good a candidate. और जल्दी से उन्होंने पता लगा लिया कि कौन-कौन लोगों को वो ले सकते हैं। God is not going to just lower down and put a thing like this. परमेश्वर इस तरह से अपने स्तर को नहीं करेगा। His commandments are uncompromisable. परमेश्वर की <laughs>

जो व्यवस्था अधीन नहीं है वो प्रकट किया जाएगा एंड एस द बाइबल से ही स्टिल स्पिरिट ऑफ लॉलेसनेस इज हियर बटन ऑफ लॉलेस वो मसी विरोधी आत्मा अभी भी इस संसार में इस दुनिया में इस पृथ्वी पर है लेकिन वो जो व्यवस्था अधीन है वो प्रकट होगा किंग जेम्स अनुवाद में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया दैट मीन्स पीपुल विल बिकम लॉलेस इसका मतलब है कि लोग पापी हो जाएंगे लाइक दी एवरी कम ऑफ द लॉर्ड परमेश्वर की हर एक वाचा को लोग तोड़ेंगे। तोड़े वीमूव अ रोमन चैप्टर 1 रोमियो पहले अध्याय को निकालने की वो कोशिश in your house. घर जाकर क्या आप रोमियो पहले अध्याय को जरूर पढ़े right now. आप देखें कि इस समय ये But हो है। this time, लेकिन इस समय में you can have encounter with the God. आप परमेश्वर के साथ मुठभेड़ कर day morning, हर दिन I believe the children of God. मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर की वेरी अपनी आत्मा में हमें मजबूत होना

और सही दृष्टि होने का शब्द का मतलब है किसी को सही तरीके से देखने He में मदद करना। वो कुछ देख रहा है नॉट सही तरह से नहीं देख He पा रहा। उसको उसकी दृष्टि बेहतर होने की on, है। एवरीबडी से विजन करेक्शन विजन करेक्शन एवरीबडी शाउट विजन करेक्शन विजन करेक्शन हिंदी में बोलिए दृष्टि सही होना दृष्टि सही होना सही करना Is that right? सही करना दृष्टि को सही करना दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी एंटर करेक्ट अवर विशन हमें अपनी दृष्टि को सही करने की यही उसकी जिंदगी अरेबियन हॉर्ट्स He's like an Arabian horse. अरबी अरबी घोड़े पर वो बैठा है ready, full of energy. वो सवार है उसमें बहुत ताकत है He is ready to do anything. कुछ भी करने के लिए उसे बस उसकी दृष्टि सही किए जाने की जरूरत है दूसरे शब्दों में वॉट इज द मीनिंग ऑफ विशन करेक्शन दृष्टि सही करने का क्या मतलब है। द पर्पज ऑफ गॉड फॉर योर लाइफ एंड फॉर माई लाइफ का मेरी और आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर के मकसद को पहचानने that you and i need to discover the purpose परमेश्वर की संतान होने के नाते मुझे आपको उस मकसद को खोजना होगा do you believe that god has a purpose for your life क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर का आपकी जिंदगी के लिए एक मकसद है there was a person his name was एक इंसान था उसका नाम था tell me faultmessi <laughs>

This is it. Hallelujah. ये है वो अस्पताल. Amen. Amen. You have to go to the Bible. आपको बचन में जाना होगा. God, why did you bring both of us together? परमेश्वर क्यों आपने हम दोनों को एक किया है? There is a purpose. एक मकसद है. नहीं मुझे मालूम नहीं था कि मम्मी पापा ने बताया इसलिए मैंने शादी की. ठीक कोई बात नहीं शादी तो हो गया ना तो अभी देख लेते हैं ना. Let's find out what is the purpose. आइए हम उस मकसद को पहचानें। जस्ट रीड अ फ्यू वर्सेस फ्रॉम पहचानी आइए हम आगे कुछ काम तो अध्याय की पंद्रहवीं और सोलवीट परंतु प्रभु ने उससे कहा की तू चला जा क्यूकी पॉलिसल एंड टू द किंग्स एज वेल एस टू दीपुल ऑफ इसराइल कि अन्य जातियों राजाओं और इसराइलियों के सामने शाउल मेरे नाम को प्रकट करे आई और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना दिस इज गॉड इज ये परमेश्वर अन्यस से बात कर रहा होल पिक्चर इज लाइक दिस और पूरा चित्र इस तरह का Saul है और यहूदा के घर में उस गली में वो रह रहा है और उसी शहर में सीधी गली के पास में जहां था, वो, 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 वो प्रार्थना कर रहा था उसको दर्शन में गली में हाउस ऑफ जूडा यहूदा के घर द मैन कॉल दाउल नाम

मिशन इंपॉसिबल विम मिशन पॉसिबल विदिन शाह में चल के पॉलुस बनता है परमेश्वर के पास उसके लिए मिशन है ये गो टू हिम यू सॉ यू कमिंग इन हिस्स ड्रीम और फिर परमेश्वर कहता है से कि तू जा उसके पास क्योंकि उसने दर्शन An आते oh हुए अनन्या ने परमेश्वर से कहा प्रभु ये तो वही इंसान है जो तेरे लोगों को सता रहा and है अधिकार के साथ वो यहाँ आया children, कि आपकी सभी संतानों को गिरफ्तार बंदुआई में यरूशलेम को लेकिन उन दिनों में गुलामों को All of them and then take them. एक साथ उन लोगों को पकड़ करके उनको खींच के वे ले जाते हैं लेकिन परमेश्वर यहाँ कहते हैं लेकिन प्रभु ने उससे कहा जो फॉर सॉल इज माई छोस एन इंस्ट्रूमेंट तू चला जा क्योंकि शौल मेरा चुना हुआ पात्र है छोस इंस्ट्रूमेंट चुना हुआ पात्र क्या मैंने ठीक से सुना क्या <laughs> है

As well as to the people of Israel. Are you with me this morning? This man has a mission. That's why he needs to be envisioned. And this morning I want to tell every one of you every one of you has a mission, but your eyes must be envisioned. Hallelujah. Give yes. थ्री प्लेसेज ही गोस तीन स्थानों में वो जेंट अन्यों किंग राजाओं के सामने बताऊंगा How much I will crown him. कि मैं उस पे कितने मुकुट लगाऊंगा Is it written like this? क्या इस तरह से Nobody लिखा है is कोई भी यहाँ पर सवाल नहीं उठा रहा <laughs>

God catches him and makes him suffer for the gospel of Jesus Christ. एक जवान इंसान जो विश्वासियों के खून का प्यासा था परमेश्वर उसे पकड़ करके अपनी गवाही देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं कि वो आप जानते हैं और इसीलिए वो कहता In है फ्रंट ऑफ द रोमन एम्फायर रोमी साम्राज्य के सामने ओ किंग अग्रीफा हे राजा अग्रीफा आई वॉज नॉट डिसंट फॉर दिवेशन स्वर्गीय दर्शन <laughs> के प्रति मैं अनाज्ञा द लॉर्ड आई ये प्रभु के लिए दो uh, you have to read the the Bible. आपको बाइबल पढ़ना होगा। आई वॉज नॉट डिजोबीडियंट टू द देवल उस स्वर्गीय दर्शन के प्रति में अनाज्ञाकारी नहीं रहा किंग अग्रीपा द रोमन एम्फायर ऑल द जज टेरिफाइड राजा अग्रेपा रोमी साम्राज्य न्यायाधीश वो डर गए एनर्जी कि किस ऊर्जा में शाउल अपनी गवाही को देता है asking, और वो पूछ रहा है द किंग इज टेलिंग राजा कह रहा है ऑलमोस्ट मेक मी अ क्रिश्चियन तूने तो मुझे मुझे करीब करीब विश्वासी बना It ही दिया यू बिलीव दश्वास कर उंटर उस मुठभेड़ के कारण ऑफ द लॉर्ड प्रभु के साथ समय बिताने के कारण अगर आप प्रभु के साथ समय बिताए यू नो है आप जानते हैं आप कैसे the हो जाएस मैन शेल बी लाइक सी के समान होगा

Every first first year, I mean the opening of the sessions, Session and all the students will come, the first year students. I, I used to ask them a question. Now start from the first student there. What is your purpose? Why did you come to the college? And I want to tell you mostly 85% they said I don't have any object in life. कभी करीब पिछयासी प्रतिशत बच्चे ये कहते थे मुझे मालूम नहीं है मेरी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है आई डोंट है मुझे कुछ मालूम नहीं है कि मैं किस से जी माँ बाप ने हैं इस बात को पर्पस ऑफ लेस लाइफ मकसद हीन जीवन कैन आप आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा लाइफ क्या आपने परमेश्वर की मकसद को अपनी जिंदगी में जाना है

पास्टर और मैडम की जब शादी हुई उन्होंने एक साथ अपने आने को उसके मकसद को पहचाना do you know families, know आप जानते हैं कुछ ऐसे परिवार वो अब तक इस बात Why से जानते हैं कि क्यों परमेश्वर ने उन दोनों को एक you किया है। like this. आपको ऐसा रहने की जरूरत नहीं है। person, hallelujah. आप एक मकसद के अनुसार चलने वाले इंसान बन सकते हैं।

<laughs> कुछ जवान लोग आज के दिनों में सोचते हैं बस शादी हो जाए सब कुछ पा लिया है ये समीपुल आई कैन गेट दॉब जूनो यूनो कुछ लोग सोचते हैं बस ये नौकरी मिल जाए सब कुछ हासिल कर लिया है दिस नॉट फॉर परमानेंटली दॉब फॉर यू और वो नौकरी आपके लिए हमेशा के लिए नहीं है. उसे गलत ना समझे यू नो वाई आप जानते हैं क्यों? वी नीड ए विशन हालत क्योंकि हम हमारी जरूरत है कि हमारी दृष्टि सही गॉड फॉर यू केवल परमेश्वर जानता है अपने yes. मकसद को जो उसका आपकी जिंदगी so के लिए है. तो बेहतर होगा की आप और मैम परमेश्वर लाइक दिस और चर्च में जब इन दो घंटों के लिए हम आते हैं यू फील यू नो ऑल योर माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड आपका मन इधर उधर भटक रहा है नींद आ, रहा है. नींद so, आ रही है नींद आ रहा है नींद आ रहा है मन नहीं लग रहा है मन नहीं लग रहा है ऑल childish talk.

God has a purpose for me. Sometimes you can you can you can put down your hand. Sometimes you have to speak to your mind. कभी कभी अपने मन से हमें इस बात को कहना पड़ता है. Otherwise the mind wants to take and lead you. नहीं तो हमारा मन चाहता है कि वो आगे आगे हमारी अगवाई करे. You know आज प्रार्थना करने का मन नहीं मन नहीं लग रहा है. So I don't want to pray today. आज प्रार्थना करने का मन नहीं है तो आज प्रार्थना नहीं, तो नहीं करूँगा. Can I ask you a question? आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कभी मन आपसे ये बात बताई आज आज मेरे खाने के मन नहीं लगे क्या कभी आपके मन ने ऐसा कहा आज खाने का मन नहीं कर रहा कभी और क्या मिलेगा और क्या मिलेगा आई <laughs> tell टू sometimes दिस माइंड नीड्स टू बी told कभी-कभी कभी अपने मन को हमें कहना पड़ेगा तुम वो करो जो मैं कह रहा हूँ करने Everybody के एवरीबॉडी सभी मेरी बात सुन and रहे हैं बॉडी हेज माइंड ऑफ इट्स और इस शरीर की अपनी इच्छा होती है आपको काम करवाती tell है अपने शरीर

जिंदगी केवल बैल Now, के समान खाना पेड़ के समान सोने के लिए नहीं है no कुंभकर्ण नहीं है हमें नहीं सोना है केवल रात का समय हम लाइफ इज समिंग टू बी जस्ट स्पेंड इन देश गॉड ज़िंदगी इसलिए है कि प्रभु की उपस्थिति में लूज योर लाइफ अगर आप अपनी जिंदगी आप फाइंड योर लाइफ तब आप अपनी जिंदगी को यीशु अगर अपनी you को आप, your life, तो आप अपनी अपनी जिंदगी जिंदगी को को आप यू सही दृष्टि करना। थर्ड पॉइंट और तीसरा बिंदु फ्रॉम एक्ट्स 9:17 एंड 18.

शॉल कहा टेलिंग ब्रदर सॉल लेकिन हनन्या कहता है हे hey, जो तुझे रास्ते में प्रकट हुआ था sent me उसी ने मुझे भेजा so है कि तू फिर दृष्टि पाए फिल्ड पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए इंस्टेंटली समथिंग फेल लाइक आईज और तुरंत शॉल की आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा Then he got up एंड was baptized। और उठकर उसने लिया। Got up एंड baptized। उसने उठकर he left लेफ्ट जब वो यरूशलेम से निकला। he was अ murderer। वो

You wait and see, आप रुक के the people who are resisting Jesus. वो जो मसीह के विरोध में वो को लेके दुनिया में सबको बताए मिस्टीरियस वे गॉड्स डीलिंग ये है परमेश्वर के रहस्य में तरीके काम करने की यू नो यूड बीन सेव्ड इन अवर चर्च अगर हमारी कलीसिया में वो उद्धार पाया होता वी थ्रू ऑल द सेल

और अच्छा फिल्ड पवित्र आत्मा से भर उठ फील्ड कौन पवित्रॉट दास्टर पास्टर जी नहीं प्लीज अंडरस्टैंड एवरीबॉडी सभी जन इस बात को ध्यान से इन द बैप्टिज्म आज देख के सात लोगों ने बपतिस्मा लिया उन्होंने लिया। इन द वाटर पानी में दास्ट बैप्टाइज

तो जब पवित्र आत्मा की बात यीशु है जिन्हें आपको बपतिस्मा देंगे। तुरंत पौलुस पवित्र आत्मा से भर जाता है जब लोग उद्धार पाते हैं yeah, The 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 clear way, salvation, baptism in the water, baptism in in water, Holy Spirit. That's that's a correct way. और ये सही तरीका है कि वो उधार पाता है पानी का बपतिस्मा लेकर है पवित्र आत्मा से भर जाता है But he is the God. लेकिन वो सर्वे mysterious ways. रहस्यमय तरीकों से वो काम I करता got है। saved. मैंने उधार पाया I was with the Holy first, पहले मेरा पवित्र, मैं पवित्र आत्मा से भर गया we उसके बाद बप्टिस्मे के लिए गया माई ग्रॉटर ओलिस्ट और मेरी नातीन ओलिविया है उसने एक मैसेज भेजा गांपा क्वेश्चन उसने कहा नाना जी मेरा एक सवाल है पीपल डू दे गेट बैप्टिज इन द होली स्प्रिट आफ्टर द बैप्टिज ऑफ द वॉटर

सबसे पहले उद्धार, हम पाते क्योंकि उद्धार में ही पानी का बपतिस्मा भी शामिल है यीशु मसीह पर विश्वास करें पानी का लें और फिर आप उधार लेंगे <laughs> लेकिन किस तरह से परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में और मेरी जिंदगी में काम किया मैं नहीं जानता हम जाएंगे तब Alleluia. लेकिन अभी आप जरूर पानी का बपतिस्मा लें और पवित्र आत्मा का बपतिस्मावरमेंट तुरंत वो सशक्त हो जाता है। थ्री तीसरा बिंदु वो सशक्त हो जाता है। हमें सशक्त होने की जरूरत us, है। विश्वासियों को सशक्त होने की जरूरत so, है। हनन्या आता है अपने हाथों को पौलुस पर रखता है पौलुस पवित्र आत्मा से भर जाता है। आज में होल अगर पवित्र आत्मा के द्वारा आप सशक्त नहीं स्पिर तो आज, आज भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके लिए उपलब्ध है। विश्वास में आप उसे ग्रहण कर सकते है. like like से like पढ़ते हैं यू डू रिसीव बैप्टिज्म होल स्पिरिट बाई फेथ विश्वास के द्वारा तुम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाते हो और किसी दिन जरूर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा विश्वास के द्वारा इस बपतिस्मे अगर आप विश्वास कर ले प्रभु तुम्हें रहा है मरकुस 11:24 के अनुसार यू फ्रे जब तुम प्रार्थना करो बिलीव यू रिसीव विश्वास करो कि तुमने पा लिया है yes, believe, एक और अनुवाद कहता है प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल and गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा 11:24 मेडिटेट अपॉन इट मरकुस 11:24 इस पर आप जरूर मनन करें यू कैन रिसीव इट बाय फेथ टुडे सर आज के दिन ही आप विश्वास में उसे पा सकते हैं। आखिरी बिंदु के साथ मैं समाप्त Let's करूंगा एक और अनुवचन हम पढ़ेंगे छब्बीस सौ सत्ताईस में आए प्रेरित जब यरूशलेम में पहुंचा, वो 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 चेलों से मिलने जा रहा था, लेकिन सब उससे डरते they थे। क्योंकि उनको ना होती थी कि वो चेला है। पहुंचाई परंतु बर्नाबा उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनसे कहता है कि किस कि रीति से मार्ग में प्रभु यीशु दिखा लॉर्ड स्पोकन टू सोल

दूसरा बिंदु था दृष्टि सही करना, तीसरा था सशक्त होना पवित्र आत्मा के द्वारा हो हैं, और चौथा बिंदु है साथ काम करना. Is really a saved or just सभी प्रेरित डरे हुए हैं कि ये सच में चेला है या ये नाटक कर रहा है कोई उसके पास नहीं आना चाहता आई फेथ मैं ऐसा कहूंगा कि ये कमजोर विश्वास Cautious. You know, the kingdom of God is not advanced by cautious. people. आप देखिए परमेश्वर का राज्य उन लोगों के द्वारा नहीं फैलता जो बहुत सोच समझ करके या बहुत ध्यान से सोच के करते हैं। क्या आज की सुबह आप मेरे साथ हैं? प्रभु के लिए आइए जोरदार स्टेटमेंट आप इस बात को लिख लें किंग नॉट एडवांस बाई कॉन्शियस पीपल परमेश्वर का राज्य उन लोगों के द्वारा नहीं फैल सकता जो खतरा मोल नहीं लेना चाहता बल्कि परमेश्वर का राज्य ऐसे लोगों से आगे बढ़ता है जो खतरा मोल लेने के लिए तैयार हैं जो परमेश्वर जो कुछ भी कहता है करने की हिम्मत रखते हैं कोई भी है उसके नजदीक नहीं आना चाहता लेकिन वहाँ पर एक और चेहरा था जिसका नाम था बर्नाबाद वो जो तसल्ली देने वाला पुत्र है। He is really having a bold faith। उसका विश्वास सच में मजबूत है। He is है। not like anybody else। और लोगों के समान वो नहीं he है। He goes to Paul and sits with him and listens to all his testimony। Paul उसके पास जाता है, सुनता है कि उसकी क्या गवाही है। He brings him with the boldness he has not seen him before. He has only seen him as a murderer. Now he brings him, introduce him to apostles, telling पहले कभी वो को नहीं जानता था लेकिन अब पोलूस को जान करके के पॉलुस को चेलो के पास ला करके कहता है कि देखो प्रभु ने इसकेशन आरंभिक को तसल्ली का पुत्र कहती थी

आज जो देख पा रहे हैं उसके आगे के दस सालों व्यक्ति से परमेश्वर क्या कुछ कर सकता है उसने कई गलतियां की हत्या की होड एन एनकाउंटर विदिंग ऑफ किंग्स अंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड फेड़ हुई है राजाओं के राजा प्रभु के साथ मुठभेड़

कई लोग उन पुराने वाद्य यंत्र को खरीद रहे थे। Then there was a small little, uh, violin, और वहां पर एक छोटा सा पुराना वायलिन बहुत धूल लगा हुआ बहुत पुराना looked, nobody has used it. ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसका इस्तेमाल so नीलामी करने वाले ने उस वायलिन को उठाया फुटित ये, ये है वायलिन इवेंचलिन प्लेज ऑन इट इचलिन अक्सर इसे बजाती है दिस इज अल वायलिन so इतनी धूल लगी थी so old, इतना पुराना था किसी को वो पसंद भी नहीं आया hand, और उस नीलामी करने वाले ने वायलिन को अपने हाथों में लिया said, like और उसने नीलामी में कहा कि 100 सौ रुपे, रुपे की बोली 100 रुपीस 100 रूपए की सकता था time, कुछ समय के बाद हंड्रेड रुपीज एक सौ रुपए पहली बार हंड्रेड रुपीज सौ रुपए टू टाइम दूसरी बार नो बड़ी अपटर फादर बिकॉज नो बड़ी वॉन्टेड इथ किसी ने भी बोली नहीं लगाई क्योंकि कोई भी प्रोड्यूस लोगों को पता भी नहीं था कि वायलेंस से कैसे राइट फ्रॉम द क्राउड आई थिंक यू एव नॉट रॉन्ग दिस हर्व द स्टोरी गोज एंडसन सेट लेकिन उसी भीड़ में से एक एक व्यक्ति ने हाथ उठाकर करके कहा रुकिए एक मिनट रुकिए ही केम फॉरवर्ड वो आगे आया कैन आई जस्ट प्ले दिस वायलिन क्या मैं एक बार इस वायलिन को बजा सकता हूँ लुकिंग सो डस्टी वो कहता है तो उसमें बहुत धूल लगी है he said, I'll do he just dusted it. उसने कहा कोई बात नहीं उसने उसे साफ किया ट्यून दायोलिन वायलिन को ट्यून किया बो उठाया दिस इज द बो है जैसे वो वायलिन बजाने लगा क्राउड भीड़ बढ़ने लगी द साउंड आउट ऑफ दट वायलिन वायलिन से निकलने वाली धुन इतनी मधुर थी

पांच सौ डॉलर थाउजेंड हजार डॉलर उसकी रकम बढ़ने लगी बढ़ने लगी huge बिग ह्यूज bought it। और एक बहुत बड़ी रकम देकर के किसी ने उस वायलिन को खरीदा द डिफरेंस इज फर्क इतना ये था द वायलिन received द टच ऑफ द मास्टर कि वायलिन को वायलिन बजाने वाले ने छू लिया If you allow God to touch your life, अगर आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी छूने देंगे यू विल नेवर बी बदल जाएंगे आइए हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो ना अगर हम सभी अपने स्थान पर जैसे खड़े लाइफ

आपके भीतर सॉ यू आर नॉट वॉट यू से यू आर जो आप कहते हैं आप वो नहीं है वेन ही ट्यून यू जब वो आपको ट्यून करता When है ही यू जब वो आपके साथ काम करता है वेल यू आपका आपका मूल्य बढ़ जाता है